जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से आप सभी का एग्ज़ाम पास हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। आपके NTPC CBT2 RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के उपकरण के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो यह पहला भाग है। जी हाँ, अल्टीमीटर इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। ओमीटर इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ओनोमीमीटर यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। आइडियोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। आइडियोफोन इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसका उपयोग लघु धारा को मापने में करते हैं। बैरोग्राफ इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोमीटर यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। बाइनोक्युलर यह उपकरण दूर की वस्तु देखने के काम में आता है। कैलिपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। कैलोरीमीटर यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। कार्बोरेटर इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजन में होता है। यह यंत्र से पेट्रोल हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्डियोग्राम इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय पता लगता है। सिनेमा मोटोग्राफ इस उपकरण की छोटी छोटी फिल्मों का बड़ा करके पर्दे पर लगाकर क्रम में प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। कंपास बॉक्स इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। कंप्यूटर यह एक प्रकार की गणित यांत्रिक व्यवस्था है, इसका उपयोग गणितीय संस्थाओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। साइक्लोट्रॉन इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिकीय कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। डेंसिटी मीटर इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डेंसिटी मीटर इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डिक्टोफोन इसका उपयोग अपनी बात तथा दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। नमन मापी यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए किया जाता है। डायनेमोमीटर इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। एपिडोस्कोप इसका प्रयोग चित्र को पर्दे पर प्रक्षेपण किया जाता है। फैदोमीटर यह समुद्र यंत्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपका एग्ज़ाम पक्का पास हो जाएगा। बस ऐसे ही आप इस वीडियो पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। यह पहला भाग था और दूसरा भाग नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ। आप इसी तरह बना रहें।